मिथिलांचल के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, दरभंगा में हवाई सेवा आज से शुरू। आय जनाब, मिथिला में ककरो घर में बेटा हो तो बड़ ज्यादा खुशी मनायल जाए, ऐसा चार गुना ज्यादा खुशी आज महसूस भ रहा है, क्या कि मिथिला के धरती पर बहुत दिन से प्रतीक्षा रद छे जे हवाई सेवा शुरू हेतु। कोरोना काल में मोकामा के कुम्हारों की माली हालत खराब, बुरी तरह जीवन यापन करने को है मजबूर। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी प्रबत्ता में घटी अजीब गरीब घटना, डायन का आरोप लगाकर मां बेटे को मारा चाकू, गंभीर हालत में जख्मी को अस्पताल में किया गया भर्ती। चाचा ने हमारा गाली गलौज दे रहा था तो हम उस जगह खड़े थे, खड़ने रहने के बाद हम वहाँ आए तो बोलता है कि तुम्हारा माँ ने डाइन डाइन कर, तुम्हारा माँ ने भूत लगाता है हमको, ऐसे ऐसे करता है, तुमको माँ ने सताता है, इसलिए हम बोले कि भैया हमारा माँ क्या कर रहा है जो आपको कुछ कर रहा है, हम लोग को तो पता नहीं है। तो कहता है नहीं तुम्हारा माँ डाइन है, इसलिए बस हम बोले कि कैसे तुम साबित कर दिए कि मेरा माँ डाइन है, भूत लगाता है, ये करता है वो करता है, इसलिए बस बस जैसे हम बोले कि बस सब बापू आ करके हमको मारने लगा, मारने लगा तो माँ भी आया, माँ को बस दबिया से चाकू के से मार। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप के निदेशक के द्वारा जिला स्कूल रोड स्थित पनोरमा ग्रुप के कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। निदेशक ने पनोरमा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट पनोरमा हाइट बेलोरी में महाधनतेरस मेला को लेकर की मीडिया से बात। मुंगेर में 20 वर्षीय महिला की दहेज को लेकर की गई हत्या, हत्या मामले को लेकर मृतका के पिता ने तारापुर थाने में कराई प्राथमिकी दर्ज। नाम की महिला जो टटिया मुंबई की रहने वाली है, इसका ससुराल में देहांत हो गया था, उसके पिता विजय सिंह ने लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर मृतका के पति सर्वेक्षण थे एवं परिवार के दोनों सदस्य के विरुद्ध 304 बी का मुकदमा दर्ज किया गया है, अनुसंधान जारी है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, साक्ष्य मिलते ही लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर के मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से विधि सेवा प्राधिकार द्वारा संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, विधि सेवा प्राधिकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।